Hello friends, once again welcome to learn my YouTube channel. So here in this class we will continue with our Dravyagun practical part, okay? So here we will discuss with Dravyagun practical part 4. I have already uploaded my Dravyagun practical part 1, part 2, part 3, okay? तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे उस पर्टिकुलर वीडियो में सेपरेट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम द्रव्यगुण प्रैक्टिकल हम कैसे परफॉर्म करते हैं, अपने द्रव्यगुण प्रैक्टिकल जो हमारा द्रव्यगुण डिपार्टमेंट होता है हम वहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ पे पर्टिकुलरली कोई वेट ड्रग होता है या फिर कोई ड्राई ड्रग होता है हम उसको क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, ओके हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ड्राई ड्रग और वेट ड्रग मतलब क्या, ड्राई ड्रग मतलब वो होता है कि कोई भी जो ड्रग रहते हैं उसके पार्ट, सपोज अगर कोई धतूर है तो धतूर का बीज, तो हम धतूर के बीज ले लेंगे, मेथी के बीज ले लेंगे, ओके तो ऐसे बहुत सारे जो वगैरह जो रहेंगे प्रोडक्ट पर्टिकुलरली पर्टिकुलर किसी भी द्रव्य का, ओके तो हम ऐसे खदीर का कोई रूट वगैरह रहेगा, मंजिष्ठा का मूल रहेगा, ओके सारिवा का मूल रहेगा, देन अल्टीमेटली वहाँ पे इसबगोल रखा होगा, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में नंबर ऑफ ऐसे बहुत सारे पार्ट्स वगैरह रखे रहते हैं, पर्टिकुलरली प्लांट्स के पार्ट्स रखे होते हैं जो कि वो ड्राई रहते हैं, ओके उनको हम क्या बोलते हैं ड्राई ड्रग बोलते हैं। वेट ड्रग मतलब वो होता है कि अल्टीमेटली आपको कोई प्लांट के बारे में बताना है, सपोज अगर कोई मंजिष्ठा का या फिर सारिवा का या फिर गुडुची का कोई अगर आपको कांड दे देता है या फिर अगर आपको कोई वहाँ पे लीफ दे देता है तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो पर्टिकुलरली हमें आना चाहिए, तो हम वहाँ पे पर्टिकुलर द्रव्यगुण प्रैक्टिकल में डिपार्टमेंट में वहाँ पे उसको कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने वहाँ पे बहुत सारे हर्बल द्रव्य को डिस्कस किया, तो डिस्कस करने से पहले वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलरली उस जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं उस पर्टिकुलरली क्लास में उसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्कशन बॉक्स में अटैच किया था, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर देते उस पर्टिकुलर PDF को। और अगर आप द्रव्यगुण सेकेंड ईयर में अगर आप जा चुके हो या फिर द्रव्यगुण अगर आपने थोड़ा बहुत अगर जानते हो तो उस पर्टिकुलर ड्रग को आप आइडेंटिफाई करने की वेट ड्रग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ओके और अगर अदरवाइज अगर आप वहाँ पे पर्टिकुलर सेकेंड ईयर में भी नए नए गए हो और आप इतना फैमिलियर नहीं हो, इतना पर्टिकुलर द्रव्यगुण के बारे में जानते नहीं हो तो वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हो, ओके ये मैंने ऑलरेडी अपने तीनों ही क्लास में प्रीवियस क्लास में जो भी मैंने बताया आपको कि सेम थिंग कि पहले डाउनलोड करना है, नए हो तो आपको कंटिन्यू करना है, नो नीड टू डाउनलोड, ओके हाँ डाउनलोड करके आप रख सकते हो, आप अपने गैलरी में आप अपने इंटरनल स्टोरेज में डिवाइस स्टोरेज में SD कार्ड में रख सकते हो, ओके बहुत ही अच्छे वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है एक एक पर्टिकुलर ड्रग को, ओके आप डाउनलोड करके रख सकते हो फॉर लेटर पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर आप ओल्ड हो और आपको रिवाइज करना है किसी भी ड्रग को तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, आप किसी भी ड्रग को देखकर आपको पहचानना है और आपको पहचानने के बाद पर्टिकुलरली वीडियो को कंटिन्यू रिज्यूम करना है बाद में, ओके डाउनलोड करने के बाद आइडेंटिफाई करना है एंड आफ्टर दैट आइडेंटिफाई यू हैव टू वेरीफाई वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, ओके तो टू करेक्ट दिस आपको वहाँ पे फर्दर वीडियो को देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर नए हो तो वीडियो को कंटिन्यू रिज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम बहुत सारे हर्बल ड्रग को कंटिन्यू करेंगे, तो सब पर्टिकुलरली सेम मतलब हर एक हर्बल ड्रग को हम डिटेली डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस एक इन शॉर्ट देखेंगे कि पर्टिकुलरली हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, नॉर्मली उसको हम बोलते क्या हैं और उसका नॉर्मली यूज़ क्या होता है, ओके जस्ट इन शॉर्ट वी विल सी हियर। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया सॉरी, तो ये देखिए पर्टिकुलर जो फर्स्ट ड्रग है ये हमारा क्या है चांगेरी है, ओके चांगेरी पर्टिकुलरली ये जमीन से सटा हुआ प्लांट लगा होता है, बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे आप समझ सकते हो, बहुत ही छोटे मतलब बहुत ही छोटे, ओके जैसे मंडूक परणी ब्राह्मी वगैरह होते हैं ना जो जमीन से लगे हुए रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं चांगेरी बोलते हैं। तीन पत्तियाँ इसको बोलते हैं आमतौर पर, इसके येल्लो कलर के फ्लावर वगैरह होते हैं, ये उसकी वहाँ पे फ्रूटिंग स्टेज है और इसके बहुत सारे वेराइटी मतलब एक वहाँ पे एक फॉरेन वेराइटी आई है, विदेशों की एक वेराइटी आई है जो कि वाइट कलर की वेराइटी होती है, ओके द वेराइटी डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द फ्लावर, ओके तो तीन पत्तियाँ इनको अम्ल पत्रिका, तीन पत्तियाँ अम्ल परणी, ये सभी इसके परिणाम है, क्यों बोला गया ये सभी इसके सिनोनिम्स क्यों, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं इनके लीव्स अगर आप लीफ को अगर वहाँ पे पेस्ट बनाकर अगर वहाँ पे स्क्वीज करके अगर आप उसका जूस निकालोगे ना तो बहुत ही वो खट्टे होते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट एंड दैट्स वाई उनका जो नामकरण हमने किया है ना वो अम्ल रस उनको हमने बोला है, इसलिए अम्ल पत्रिका अम्ल परणी ये सभी चांगेरी को पर्टिकुलर नाम आते हैं, ओके तो चांगेरी के स्वरस को हम निकालते हैं चांगेरी आदि घृत करके पर्टिकुलरली कल्प मार्केट में अवेलेबल है,
जो कि अध कायगत भ्रंश जितने भी होते हैं ना, रेक्टल प्रोलैप्स, यूटरस प्रोलैप्स, ओके, जितने भी वहाँ पे हमारे जितने भी प्रोलैप्स, वजाइनल प्रोलैप्स जो भी वगैरह होते हैं, ओके। तो प्रोलैप्स मतलब क्या होता है, जो भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं या फिर कोई पार्ट्स होता है बॉडी का, वो किसी लिगामेंट के थ्रू बॉडी में अटैच होता है। जब वो डिटैच हो जाता है, ओके, जब वो डिटैच हो जाता है, जब वो निकल वहाँ से लिगामेंट ब्रेक हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं या फिर वो वीक हो जाते हैं, तो पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ देते हैं, ओके, और अल्टीमेटली वो बाहर के रूप में हमारे एनल के रूप में इन द फॉर्म ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स, ओके, देन यूट्रल वहाँ पे प्रोलैप्स होता है, वजाइनल प्रोलैप्स होता है। तो अल्टीमेटली इन सभी प्रोलैप्स के कंडीशन में हम क्या करते हैं, चांगेरी आदि घृत जो कल्प होता है, जो अल्टीमेटली चांगेरी से भी, चांगेरी से ही ऐसा बना हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते, बट चांगेरी आदि घृत में चांगेरी एक वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके, ये मेरा कहने का मतलब है। तो अल्टीमेटली अधकायगत भ्रंश में और इनके बहुत सारे अलग अलग रोगों में या फिर प्रॉब्लम्स में, व्याधियों में हम क्या करते हैं, इनके स्वरस का भी यूज़ करते हैं, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट चांगेरी, चांगेरी के येलो फ्लावर होते हैं और नॉर्मली आपको बहुत जगहों पे दिख जाएंगे, ओके, इतना एक्सटिंक्ट स्पीसीज नहीं है, इतना इंडाइजेंट स्पीसीज नहीं है, इतना वो बहुत ही ऐसा पर्टिकुलरली स्पीसीज नहीं है कि हम इसे ढूंढने पे भी मिलेगा नहीं, ओके, ये आप कहीं भी देख सकते हो, वेन एवर यू कैन फाइंड। हमारा नेक्स्ट ड्रग है दैट नथिंग बट ये मैंने जो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में वहाँ पे जो मैंने बताया था, सेम यहाँ पे रिपीटेड ड्रग है, ओके। तो अल्टीमेटली ये क्या है, हमारा शर्पों का टेफ्रोजिया परप्यूरिया, हमारा पर्टिकुलर क्या है, इसका नाम होता है लैटिन नेम। और अल्टीमेटली वहाँ पे ये देखिए, इसके ये शिम्बी है, इसका क्या है अल्टीमेटली पर्टिकुलरली इसके फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ देयर शिम्बी, इन द फॉर्म ऑफ देयर लिग्यूम्स रहते हैं, एंड दैट्स वाई इनका जो फैमिली वगैरह जो रहता है, लेग्यूमिनेसी वगैरह रहता है, ओके। तो बिफोर दैट मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड पीडीएफ करने का और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा द्रव है, ओके, वो कौन सा द्रव है। अल्टीमेटली वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के साथ साथ, अलॉन्ग विद दैट टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू रिवाइज, ओके, यू हैव टू रिवाइज द लैटिन नेम, फैमिली नेम, ओके, एंड अल्टीमेटली देयर कर्म, देयर रस पंचक एज वेल, ओके। तो आपको इससे होगा क्या, आपको उससे द्रव्यगुण पार्ट टू आपका अलॉन्ग विद आपका रेडी हो जाएगा, सिलेबस वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आपको साथ साथ में आपको वहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा शर्पुंगा है, सर्पमुखी इसका परिणाम होता है। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि फीमेल्स के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स में अल्टीमेटली शर्पुंगा जो होता है उनमें बहुत ही कल्पों में इनका हम यूज़ करते हैं, ओके। अदरवाइज इनके बीजों से हम तेल वगैरह निर्माण करके निकाल कर जितने भी चर्मगत रोग होते हैं, जितने भी स्किन इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, मॉडर्न में बहुत सारे क्रीम्स वगैरह बताए गए, बैक्ट्रोबेन, ओके, सिल्वेट्रॉन, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे क्रीम्स हैं, बहुत सारे टैबलेट वगैरह है, जितने भी एंटीबायोटिक है वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो बाय प्रिवेंटिंग और बाय इनहिबिटिंग द अल्टीमेटली एंटीबायोटिक, ओके, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीबायोटिक मेडिकेशन, वी कैन ट्रीट आवर प्रॉब्लम बाय द आवर आयुर्वेदिक हर्ब्स ऑल्सो, ओके। तो अल्टीमेटली बीज से तेल का निर्माण करते हैं और अल्टीमेटली उनको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, ओके। ये हमारा क्या है, ये मंडूक परिणी है। मंडूक परिणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं वो मंडूक यानी कि फ्रॉग जैसे रहते हैं, ओके, एंड दैट्स व्हाई वी टर्म एज द मंडूक परिणी। परिणी मतलब होता है लीफ एंड मंडूक मतलब होता है फ्रॉग। द लीफ ऑफ द मंडूक परिणी या फिर लीफ ऑफ द प्लांट विच रिजेंबल विद द फ्रॉग, दैट इज कॉल्ड एज अ मंडूक परिणी, ओके। तो मंडूक परिणी के बहुत सारे परिणाम वगैरह है, सरस्वती करके एक परिणाम है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्राह्मी इसका नाम आता है, बहुत सारे लोग ब्राह्मी और जो हमारा मंडूक परिणी होता है इसको एक द्रव्य मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट द्रव्य मानते हैं। तो अल्टीमेटली मंडूक परिणी को ही हम ब्राह्मी बोलते हैं और ब्राह्मी को ही हम मंडूक परिणी बोलते हैं। हाँ, हालांकि ये ऐसा है कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऑथर ने मेंशन किया है कि ये दो डिफरेंट द्रव्य है और अल्टीमेटली उनको दोनों को डिफरेंट उन्होंने डील किया है, ओके। तो वो एक्सेप्शनल केस है, आप पढ़ सकते हो, आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे क्या उन्होंने क्राइटेरिया यूज़ किया कि वो डिवीजन हो, ओके। तो अल्टीमेटली ये इसे हम क्या बोलते हैं, मंडूक परिणी बोलते हैं। ये मंडूक परिणी की अल्टीमेटली सीड है, ये इसकी फ्लावरिंग स्टेज है। मंडूक परिणी ये रसायन होता है, इनके पत्र का स्वरस अगर हम लेते हैं रेगुलरली, अगर लेते हैं ब्राह्मी मुहूर्त में लेते हैं तो बहुत ही यूजफुल पर्टिकुलरली हमारे लिए होता है। हमारे जितने भी सर्वधातु होते हैं उनके विकार अगर होते हैं तो उन सभी कंडीशनों में हम एज अ रसायन पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे जितने भी रसायन के गुणधर्म होते हैं, वर्ण का वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन, ग्लो, ये सभी बढ़ाना, हमारे स्वर की विकृति में वहाँ पे इन्हांसमेंट लाना, ओके, अल्टीमेटली जो हमें
जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको क्या करें, निराकरण करना, उनको दूर करना, ये सभी क्या होता है, रसायन का वहाँ पे फंक्शन होता है। ओके तो एक पर्टिकुलरली फेमस श्लोक आता है कि वहाँ पे जो आयु सॉरी जो जरायु को कम करता है और हमारे आयु को जो बढ़ाता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, रसायन होते हैं। तो इन दैट सेम में ये भी एक रसायन का द्रव्य है, मंडूक पर्णे स्वरस हम यूज़ करते हैं ऐसा रसायन पॉइंट ऑफ व्यू। और वहाँ पे आप इसके लैटिन नेम फैमिली नेम वगैरह आप देख सकते हो ट्रेजूक में। ओके ये अल्टीमेटली हमारा क्या है, ये बिल्व का प्लांट है, ईगल मैलमोलस मैरमोलस त्रिपर्णी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं एंटीरली में, ओके एंटीरली में इसके जो पत्ते होते हैं वो तीन इनके नंबर होते हैं, थ्री नंबर होते हैं। और बिल्व का ये फल आपको दिख रहा है, बिल्व के पक्के फल जो होते हैं उनको लेने से जितने भी वहाँ पे डायरिया होता है ना अतिसार कंडीशन में, हम क्या करते हैं, फॉर स्तंभन पर्पस वी आर यूजिंग द फल ऑफ द बिल्व। ओके अदरवाइज इनके पत्रों का स्वरस वगैरह यूज़ करके हम क्या करते हैं वहाँ पे पैंक्रियास के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो डायबिटिक वगैरह जो कंडीशन है वहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए इनके पत्र का स्वरस वगैरह लेते हैं। ओके और बिल्व के जो मूल वगैरह होते हैं इनका हम वात शमन के लिए अल्टीमेटली काढ़ा वगैरह बनाकर हम वहाँ पे शास्त्रों में लिखा गया ऐसा यूज़ करते हैं। ओके तो बिल्व का मूल, बिल्व के लीफ, बिल्व का पका फल, बिल्व का कच्चा फल दोनों ही हम यूज़ करते हैं। ओके ईगल मैरमोलस इसका वहाँ पे पर्टिकुलरली लैटिन नेम आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्व बोलते हैं। ओके तो ये बिल्व का फल है, अंदर बिल्व के बीज वगैरह पाए जाते हैं और बिल्व के फल का ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ करते हैं, रॉ फूड और जो राइप पार्ट रहता है दोनों ही हम यूज़ करते हैं फॉर आवर एक्टिविटी। जो राइप वाला रहता है हम स्तंभन के लिए यूज़ करते हैं इन ड्यूरिंग अतिसार कंडीशन, और कॉन्स्टिपेशन में हम इसके जो कच्चे हुए फूड रहते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ओके ये हमारा क्या है, मोरिंगा टेरगोस्पर्मा यानी कि मोरिंजेसी फैमिली, ये हमारा शिग्रु होता है जिसे हम साइजन आमतौर पे जानते हैं। ओके शिग्रु के अल्टीमेटली जो इनके बहुत सारे वैरायटी वगैरह है, श्वेत है, ओके श्याम कलर इनको बताया गया है वहाँ पे, देन वहाँ पे इनके रक्त वगैरह वैरायटी वगैरह बताया गया। ओके तीन वैरायटी इनमें बताई गई है अकॉर्डिंग टू और डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द फ्लावर। शिग्रु जो है इनके फली वगैरह जो लटकते हैं, ओके ये बड़ा सा विशाल का वृक्ष वगैरह होता है, इनके लीव्स बहुत ही छोटे छोटे लीफ होते हैं जितने, जैसे करी लीफ वगैरह होते हैं ना, करी लीफ के जो वहाँ पे पत्ते वगैरह होते हैं इन दैट सेम वे इनके लीफ वगैरह होते हैं, इनके शिम भी यहाँ पे लटकती रहती है, ओके हैंग आउट हुआ रहता है, और इन्हीं का हम क्या करते हैं वहाँ पे ऐसे शाक वर्ग या फिर इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल और अलॉन्ग विद दैट सम पल्सेस जो हम बनाते हैं उनके साथ भी इनके जो शिमी जो लटक रही है इनका हम यूज़ करते हैं। ओके इनके अंदर व्हाइट व्हाइट बीज वगैरह पाए जाते हैं जो कि एग्जाम्पल ही रिजम्बल होते हैं विद आवर व्हाइट पेपर। ओके जो हमारे जहाँ पे श्वेत हमारे जो मिर्च होती है, ओके जो हमारे ब्लैक पेपर, ग्रीन पेपर और वाइट पेपर जो वैरायटी है मैंने आप ऑलरेडी बताया है पेपर के वैरायटी में। ओके तो मरीज के तीन वैरायटी में जैसे श्वेत मरीज होता है हमारा, इन दैट सेम वे जो शिग्रु होते हैं शिग्रु के बीज भी हमारे श्वेत मरीज जैसे ही दिखते हैं। ओके तो कभी कभार इनके बीजों को हम श्वेत मरीज या फिर वाइट पेपर ऐसा वहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। इनके जो वृक्ष के जो छाल होते हैं ना इनका यूज़ हम स्किन इन्फेक्शन में बहुत ही यूज़ करते हैं। स्किन इन्फेक्शन दैट नथिंग बट जो वहाँ पे पैपुल्स वगैरह जो डेवलप हो जाते हैं, इरिडेमेटस पैपुल्स, इरिडेमेटस रैशेस वगैरह जो डेवलप हो जाते हैं। ओके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इम्पेटिगो प्रॉब्लम है, ओके वहाँ पे सेलुलाइटिस प्रॉब्लम है, डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम है, जितने भी मॉडर्न में जो बताए गए हैं स्किन के इन्फेक्शन वहाँ पे हम इनके जो त्वक होता है, जो बार्क होता है, बार्क ऑफ द शिग्रु प्लांट वी आर यूजिंग फॉर आवर इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर स्किन इन्फेक्शन। ओके तो अल्टीमेटली क्या है, शिग्रु है, मोरिंगा टेरगोस्पर्मा इसका लैटिन नेम है और मोरिंजेसी पर्टिकुलर इसकी क्या है, फैमिली है। ओके तो शिग्रु, साइजन ये सभी इसको हम बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट ड्राइव है दैट नथिंग बट बृहती है, सोलेनम इंडिकम इसका समथिंग इसका लैटिन नेम आता है और सोलेनसी पर्टिकुलर फैमिली का ये पर्टिकुलर द्रव्य होता है। ओके इसके मतलब ज़्यादा बड़ा ट्री वगैरह नहीं होता, बहुत ही छोटा प्लांट होता है, पौधा वगैरह होता है जैसे तुलसी वगैरह होता है। ओके हालांकि ऐसा है कि जो तुलसी वगैरह होता है थोड़े से लंबे होते हैं, बट ये क्या होता है कि ये थोड़े से ब्रॉड में फैले हुए रहते हैं। ओके थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है इनमें, और इनके पूरे जितने भी प्लांट्स होते हैं ना सभी में इनके स्टेम हो गए या फिर लीफ हो गए, सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में इनके थॉर्न्स पाए जाते हैं। ओके ये इनकी वैरायटी होती है, एक कंट करके एक वैरायटी आती है और बृहती, दोनों ही वैरायटी में बहुत ही लीव्स पाए जाते हैं। ओके और इनके दो वैरायटी आती है, श्वेत वैरायटी और नीले वैरायटी, डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द फ्लावर। ओके और इनके जो लीव्स वगैरह होते हैं इनके स्वरस वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं, अदरवाइज बृहती कंटकारी या लघु पंचमूल में ही आता है। ओके बृहती कंटकारी शालापर्णी प्रशनपर्णी और हमारा जो गोक्षुर होते हैं लघु पंचमूल के गण जो होते हैं मिश्र गण,
जो कि ऑलरेडी मैंने डिटेली बताया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अपने चैनल में, ओके यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी मैंने उसको डिटेली मिश्र गण करके पर्टिकुलर 22-25 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो टू नो दैट टू नो एक्स्ट्रा नॉलेज इन द मिश्र गण, ओके। तो लघु पंचमूल के गण में पर्टिकुलरली बृहति को शामिल किया गया है, तो इनके मूलों का हम यूज करते हैं इन द वातशमन, ओके, फॉर द वातशमन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बृहति दो वेरायटी की आती है, श्वेत वेरायटी और रक्त वेरायटी, सॉरी श्वेत वेरायटी और नील वेरायटी। बृहति के पूरे प्लांट्स में जितने भी प्लांट्स होते हैं इनके सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कांटे लगे होते हैं, थॉर्न लगे होते हैं, तो दुस्पर्शा, ओके, दूष्य प्रदर्शनी, ये सभी इनके बहुत सारे वार्ताकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वात के लोगों रोगों में शमन वगैरह होते हैं, ओके। तो ये सभी इनके बहुत सारे परिणाम वगैरह हैं, आप एक बार गो थ्रू करके देख सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या है हमारा, ये बृहति का पर्टिकुलर प्लांट होता है। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलरली कैसे द्रव्य को आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपको बताने का वहाँ पे एफर्ट दे रहा हूँ, ओके। अदरवाइज मैं डिटेली किसी भी द्रव्य को ऐसा डिटेली बता नहीं रहा हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारे द्रव्य को डिटेली एक्सप्लेन किया है, तो कौन कौन सा ड्रग है मैं उसका प्लेलिस्ट अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे वहाँ पे हर्बल ड्रग को वहाँ पे एक्सप्लेन किया, ओके। ये हमारा नेक्स्ट आता है गुडुची टिनोस्पर्मा कॉर्डिफोलियर मेनिस्पर्मा से पर्टिकुलर फैमिली आती है। गुडुची का हम कांड यूज़ करते हैं, इनके कांड को अगर आप किसी भी दो तरीके पार्ट में आप कट करके आप अगर ग्रो करते हो तो बहुत ही ईजिली गुडुची का प्लांट लग जाता है। गुडुची के बहुत सारे परिणाम हैं, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस वगैरह नहीं करूँगा, अमृता पर्टिकुलर नाम है इसका, ओके, बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर अमृतवल्लरी इसके परिणाम हैं। तो गुडुची अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर प्लांट जो है ना, ये इसको गॉड बोला गया है, कुछ लोगों ने इसको रसायन बोला गया है, ओके। तो बहुत सारे नाम दिए गए गुडुची को, टिनोस्पर्मा कॉर्डिफोलिया, कॉर्डिफोलिया क्योंकि हार्ड जैसे इसके लीफ होते हैं, ओके। अल्टीमेटली गुडुची के कांड का क्वाथ वगैरह प्रिपेयर करके हम क्या करते हैं, अपने जितने भी विकार वगैरह होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं। धातुओं में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं सभी प्रॉब्लम को ठीक करता है हमारा गुडुची का जो कषाय होता है, जो गुडुची का जो डिकॉक्शन होता है, गुडुची का डिकॉक्शन गुडुची के कांड जो स्टेम होती है उनके द्वारा बनता है। गुडुची के जो पत्र होते हैं उनका स्वरस भी हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज फ्रूट का इतना उपयोग वगैरह नहीं पता है, इतना उपयोग वगैरह आई डोंट नो रिगार्डिंग द फ्रूट ऑफ द गुडुची। बस इतना पता है कि गुडुची के जो लीव्स होते हैं और गुडुची के जो कांड होते हैं ना, ये बहुत ही उपयोगी होते हैं हमारे आयुर्वेद में। गुडुची के जो स्वरस जो पत्र से निर्माण करते हैं और गुडुची का जो डिकॉक्शन होता है जो हम स्टेम यानी कांड से निर्माण करते हैं, दोनों ही एक्ट ऐसा रसायन, दोनों ही हमारे रसायन के तौर पर हम यूज़ करते हैं, दोनों ही रसायन होते हैं। और जब किसी भी द्रव्य को हम रसायन बोल देते हैं ना, तो वहाँ पर आपको कुछ थिंक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही वो श्रेष्ठ द्रव्य ऐसा बोला जाता है, ओके। क्योंकि रसायन द्रव्य ऐसे होते हैं कि जितने भी विकार होते हैं ना सभी धातुओं को वहाँ पे बैलेंस करते हैं, दोषों का बैलेंस करते हैं, दोषों की अगर वहाँ पे विशेषण या फिर दोषों की अगर वहाँ पे इम्बैलेंस वगैरह होती है या फिर दृष्टि होती है उनको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, ओके। तो रसायन एक्टिविटी बहुत ही एक ग्रॉस लेवल, एक बहुत ही लार्ज लेवल है इनको डिफाइन करने का, तो यू कांट डिफाइन इट, ओके। तो जितने भी रोग होते हैं, जितने भी दोष होते हैं, उनके दृष्टि, उनके विकार, उन सभी प्रॉब्लम में हम पर्टिकुलरली गुडुची ऐसा रसायन द्रव्य हम यूज़ करते हैं, ओके। अल्टीमेटली ये हमारा गुग्गुल होता है, गुग्गुल एक सेपरेटेड ड्रग मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, कॉमिफोरा मुकुल बर्सरेसी इसकी फैमिली आती है। ये इसके फ्रूट है, ये इसके फ्रूटिंग स्टेज आप देख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वहाँ पर डेवलप होते हैं। ये इसके लीफ होते हैं। गुग्गुल का हम नॉर्मली निर्यास यूज़ करते हैं, निर्यास जो कि समर सीजन में निकलता है और वी आर कलेक्टिंग देयर निर्यास इन द विंटर सीजन इन द दिसंबर टाइम, ओके, इन द आवर विंटर टाइम, ओके। तो अल्टीमेटली गुग्गुल का जो निर्यास होता है उसके गुग्गुल के निर्यास में बहुत सारे कलर होते हैं, ब्लैक कलर होता है, येलो कलर होता है, नील कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द गुग्गुल, ओके। तो गुग्गुल बोलो, हम गुग्गुल उसको बोलते हैं हिंदी में, गुग्गुल उसको हम संस्कृत में बोलते हैं, ओके। अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द निर्यास ऑफ द गुग्गुल वी आर डिवाइडेड द वेरियस टाइप ऑफ द गुग्गुल, ओके। महानील गुग्गुल है, कुमुद गुग्गुल है, पद्म गुग्गुल है, ओके। देन अल्टीमेटली एक और वेरायटी है हमारा महिषाक्ष गुग्गुल है, ओके। तो ये सब जो वेरायटी है, ये सभी वेरायटी हम डिपेंडिंग ऑन द जो गुग्गुल का जो निर्यास है उसके कलर के ऊपर कर रहे हैं, ओके। तो गुग्गुल के निर्यास हम क्या करते हैं, इसको हम जितने भी वहाँ पे होते हैं ना ऐसा बोलते हैं धूपन प्रक्रिया, ओके।
तो धूपन प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, गुगुल के निर्यास को हम जलाते हैं और उसके द्वारा जो उत्पन्न जो फोम होता है, जो वहाँ पे धुआं होता है, उसको हम इनहेल करते हैं। ओके, तो इनहेल करने के बाद जितने भी शिरागत रोग, मन्यागत रोग, ओके, नासागत रोग, मुखगत रोग, जितने भी रोग होते हैं, ओके, जितने भी हमारे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोस्पासम, ओके, ब्रोंकेक्टाइटिस, वहाँ पे जितने भी होते हैं, ओके, जितने भी वहाँ पे जो ट्रैकियर वहाँ पे प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल प्रॉब्लम है, एल्वोलर प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम में क्या करते हैं, इनके जो इनहेल किया हुआ जो स्मोक होता है ना, वो बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, तो दैट्स वाई निर्यास मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली जो स्तंभन करने की काम करेगा, जो वहाँ पे हमारे दांतों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, जो रक्त स्तंभन का एक्टिविटी करेगा, रक्त स्तंभन मतलब ब्लीडिंग को रोकता है। तो मैंने वहाँ पे डिटेली बताया है एक एक द्रव्य को कि कौन कौन से द्रव्य स्तंभक होते हैं और स्तंभक के कौन से फीचर होते हैं इन द गूगल वीडियो। ओके, तो आप प्लेलिस्ट पे देखिए कौन कौन से द्रव्य को मैंने मैंने डिफाइन किया है, कौन से द्रव्य को मैंने वहाँ पे डिटेली डिस्कस किया, तो आप एक बार गो थ्रू मार सकते हो। तो ये क्या है, हमारा गूगल हुए। ओके, अल्टीमेटली ये क्या है, हमारा अदरक है। ओके, जिंजिबर ऑफिशियली जिंजिबर हम यूज़ करते हैं, जो हमारा राइजोम होता है वो हम यूज़ करते हैं, और जो हमारे अदरक होते हैं, अदरक हम बोलते हैं संस्कृत में, अदरक हम बोलते हैं हिंदी में। ओके, और अल्टीमेटली अदरक के द्वारा वहाँ पे हम शुंठी वगैरह प्रिपेयर करते हैं, और अदरक से हम शुंठी प्रिपेयर करते हैं। हालांकि दोनों ही डिफरेंट एंटिटी है, दोनों ही बनाया गया जो प्रोडक्ट है एक ही से बनाया गया, बट दोनों के जो गुणधर्म होते हैं, दोनों का जो कर्म होता है, थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस होता है। ओके, तो अगेन अदरक एंड शुंठी में जो गुड़ कर्म के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है, मैंने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो वहाँ पे बनाया, आप सर्च करिए, अगर सर्च नहीं करने पे मिलता है तो यू कैन कमेंट मी। ओके, मैं उसका लिंक आपको वहाँ पे बता दूंगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये जिंजिबर है, जिंजिबर ऑफिशियल है, इसका लैटिन नेम है जिंजिबरेसिस की फैमिली होती है, और ज़्यादा बड़ा ट्री वगैरह नहीं होता, अगेन छोटा सा पौधा वगैरह होता है, ये इसके फ्लावरिंग स्टेज होती है। ओके, तो जिंजिबर के गुड़ कर्म वगैरह बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जो ये सभी हम ट्री वगैरह में बनाकर इसका यूज़ करते हैं, और इसके स्वरस वगैरह हम बनाकर जितने भी श्वास कास व्याधियों में हम इनका यूज़ करते हैं, इनके स्वरस जो होता है, ओके, इनको हम एस दीपन एक्टिविटी, ओके, आवर जठरग्नि जो होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होता है, उनको बढ़ाने के लिए हम इनके स्वरस को इंटरनली लेते हैं अपने बॉडी के अंदर। ओके, तो पाचन, दीपन, श्वास, कास, ये सभी व्याधियों में हम क्या करते हैं, इनके स्वरस का यूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली ये फ्लावरिंग स्टेज है, जिंजिबर ऑफिस है, इसका लैटिन नेम है, और जिंजिबरेसिस क्या इसकी फैमिली है। हम अदरक से शुंठी को प्रिपेयर करते हैं, शुंठी जो होती है वो भी उष्णवीरी होती है, अदरक भी उष्णवीरी होता है, लेकिन जो शुंठी होती है वो मधुर विपाकी होता है, और जो अदरक होता है वो कटु विपाकी होता है। ओके, ये एक डिफरेंस आता है गुड़ वहाँ पे गुड़ कर्म में, एंड ड्यू टू इट्स मधुर विपाक एंड ड्यू टू इट्स कटु विपाक, इनके कर्मों में वहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है। ओके, क्या कर्मों में बदलाव देखने को मिलता है वहां पे मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे भी बताऊंगा मैं कि जो हमारा कटु विपाकी होता है ना, वो अल्टीमेटली शुक्र ग्रह होता है। ओके, वो शुक्र यानी कि हमारे स्पर्म के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो शुंठी होता है ना, वो शुक्र ग्रह नहीं होता है, वो शुक्रल होता है, वो शुक्र को बढ़ाता है। ये दोनों डिफरेंस होता है। स्वादु गुरु सृष्टि मलो विपाको कफ शुक्रल। ओके, मतलब जो जो आपके मल और जो मूत्र वगैरह जो रहते हैं, यानी फीसेस जो और यूरिन जो होते हैं, उनका एक्सपल्शन, उनका प्रॉपर होना, ये मधुर विपाक पे डिपेंड होता है। लेकिन कटु विपाक में क्या होता है, वो बद्ध हो जाते हैं, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी में प्रॉब्लम आना, ये सभी क्या होते हैं, कटु विपाक के गुणधर्म होते हैं। तो ये दोनों वहाँ पे कर्म हुए अकॉर्डिंग टू कर्म गुड़ों के अकॉर्डिंग। आर्द्रक जो होता है वो वहाँ पे गुरु होता है, ओके, अल्टीमेटली वहाँ पे वो रुक्ष होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शुंठी, शुंठी की अगर बात करें तो लघु होता है और वो स्निग्ध होता है। ओके, ये हमारा क्या था, हमारा खदीर है, खदीर का हम सार भाग यूज़ करते हैं, खदीर के हम जो कांड वगैरह रहते हैं इनका ऐसा दातुन हम यूज़ करते हैं, खदीर के सार भाग का हम अल्टीमेटली बहुत सारे कल्पों में यूज़ करते हैं, खदीर से जो कत्था वगैरह प्रिपेयर किया जाता है, फॉर द बहुत सारे जो पान वगैरह जो यूज़ करते हैं। ओके, खदीर ऐसा कत्था पॉइंट ऑफ वी आर यूजिंग देयर सार। ओके, हार्टवुड यूज़ करते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इसके बाल पत्र। खदीर का जो कषाय होता है, जो कि इनके बाक्स यानी इनके त्वक यानी कि इनके छाल से हम प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे लैरिंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यानी कि हमारे कंठ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्वर की विकृति में, यानी कि जब हम बोल नहीं पाते बराबर तरीके से, इन दैट कंडीशन
इन दैट वहाँ पे हम वहाँ पे क्या करते हैं पर्टिकुलरली कंडीशन में इनके जो त्वक होते हैं उनसे बनाए गए जो कषाय होता है उनका हम यूज़ करते हैं फॉर द कंठगत रोग। ओके तो अल्टीमेटली खदीर का सार भाग यूज़ करते हैं, एकेसिया कटेज इसका लैटिन नेम आता है, और वहाँ पे जितने भी एक कल्प आता है इरी मेदादि तैल जात्यादि घृत इरी मेदादि घृत ये सभी जो कल्प होते हैं ना इन सभी कल्पों ये सभी कल्प क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हमारे व्रण वगैरह होते हैं जो घाव वगैरह होते हैं ऊंट्स वगैरह जो होते हैं उनको हील करते हैं जल्दी से जल्दी हील करते हैं। सेकेंड थिंग इनका जो बनाए गया जो कषाय होता है ना वो कषाय हमारे कंठ के लिए यूजफुल होता ही है। अलॉन्ग विद दैट इनके जो कषाय होते हैं ना कषाय जो होते हैं अगर आप कवल और गंडूष प्रक्रिया करते हो आप अगर मुंह में रख के उसको गार्गिंग वगैरह करते हो ना तो मुख के जितने भी रोग होते हैं जितने भी अल्सर वगैरह होते हैं ना वो सभी जल्दी हील हो जाते हैं। ओके और थर्ड थिंग ये होता है कि आप अगर इनके कत्थे का अगर कत्थे को आप अगर वहाँ पे जो घिस कर बोलते हैं ना वगैरह जो भी कत्था जो हम निर्माण करते हैं आप अगर बाहर से ही टू अगर ऊपर अल्सर के ऊपर अगर लगा देते हो ना वो जल्दी से जल्दी हील हो जाते हैं। ओके तो बहुत सारे इसके उपयोग वगैरह हैं। हम नॉर्मली पित्त व्याधियों में इनका यूज़ करते हैं, कषाय रस का होता है ये, और अल्टीमेटली शीतवीर होता है, कटुपिपा की हमारा क्या होता है खदीर होता है। ओके तो खदीर कत्था ये सभी इसके क्या है गायत्री बालपत्र ये सभी इसके क्या है परियाना वगैरह आते हैं। ओके ये हमारा होता है ऑसिमम सैंक्टम जिसे हम तुलसी बोलते हैं। ओके और तुलसी की बहुत सारे वेराइटी वगैरह है, श्वेत तुलसी और वहाँ पे कृष्ण तुलसी राम तुलसी ये सभी इसके वेराइटी वगैरह है, कपूर तुलसी भी बोलते हैं, कपूर तुलसी तुलसी की एक वेराइटी आती है जो कि तुलसी जो हम नॉर्मली जो हम सुनते हैं उसके जैसा दिखता है लेकिन वो रियल तुलसी नहीं होता है, बट उसमें क्या होता है उसके जो लीव्स होते हैं उनमें कपूर जैसी स्मेल आती है और जो तुलसी का जो जिसमें कपूर की जैसी स्मेल आती है वो तुलसी जैसा दिखता है, दोनों ही गुणधर्म पाए जाते ऐसा नहीं बोल सकते बट रिजम्बलनेस विद द तुलसी का प्लांट एंड कपूर जैसी स्मेल आना उसके लीव में दैट्स व्हाई उनको हम क्या बोलते हैं कपूर तुलसी बोलते हैं। ओके वैरायटी लेकिन दो ही है श्वेत तुलसी और रक्त तुलसी सॉरी श्वेत तुलसी एंड कृष्ण तुलसी। ओके और अल्टीमेटली तुलसी के उपयोग वगैरह बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, तुलसी के हम बीज वगैरह यूज़ करते हैं, तुलसी के हम सोरस यूज़ करते हैं, तुलसी के हम पत्र वगैरह यूज़ करते हैं टू प्योरीफाई आवर वाटर। तुलसी का अगेन एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया तो आप एक बार देख सकते हो। ओके तो ये तुलसी के मूल है, ये तुलसी का लीफ है, तुलसी के बीज है, ये तुलसी का अल्टीमेटली क्या है प्लांट है। ओके ऑसिमम सैक्टम लेबिटे पर्टिकुलरली इसकी फैमिली आती है। हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है बिबीतक, अगेन इसको डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है, बिबीतक का यह फ्रूट है, बिबीतक का पर्टिकुलर बहुत बड़ा ट्री होता है। ओके टर्मिनेरा बेलेरिका कॉम्बिनेटर से पर्टिकुलर इसकी फैमिली है, ये इसके फ्लावरिंग स्टेजेस हैं। ओके ये इसका लीफ है जो कि बहुत बड़े बड़े इसके लीफ होते हैं, थोड़े ब्रॉड होते हैं, लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ऐसे भी क्या है इसके लीफ वगैरह होते हैं मॉर्फोलॉजिकल ये से भी इसको हम बोलते हैं। ये इसका क्या है अल्टीमेटली फ्रूट है, तो बिबीतक का मज्जा हम यूज़ करते हैं, इनके फ्रूट के पल्प का यूज़ करते हैं, इनका डिकॉक्शन वगैरह भी बनाते हैं, इनके लीव्स का स्वरस भी हम यूज़ करते हैं। ओके अपने आयुर्वेदा में फॉर द मोर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बिबीतक के आप वहाँ पे जो प्लेलिस्ट मैंने अटैच किया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप सर्च करिए कि कौन से बिबीतक है, आप वहाँ पे एक बार गो थ्रू करिए। ओके ये अगेन भल्लातक है, इसको अगेन मैंने डिटेली डिस्क्राइब किया है। भल्लातक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, भल्लातक के जो लीफ होते हैं ना वो भाला जैसे स्ट्रक्चर ऐसे शो होते हैं, ये देखिए जो अगर आप टूअर्ड सेंटर जाओगे तो टेपरिंग रहेंगे लेकिन आप जैसे ही वहाँ पे अवे फ्रॉम द सेंटर रीजन पे जाओगे ना ओके या आप क्या जा रहे हो अवे फ्रॉम सेंटर जा रहे हो ओके तो ये ब्रॉड होते नजर आ रहे हैं। ओके जैसे हमारे कैरेट वगैरह रहते हैं ओके वैसे ही सेम एग्जैक्टली ऐसे रहते हैं। ओके तो आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग भल्लातक तो आप एक बार विजिट कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्लेस पे। ये क्या है अल्टीमेटली ये भल्लातक का फ्रूट है, हम भल्लातक का बीज यूज़ करते हैं, भल्लातक का बीज विष होता है मतलब भल्लातक के बीज वहाँ पे पॉइजनस इफेक्ट दिखाता है। ओके और भल्लातक का जो फ्रूट होता है ना ये देखिए एनाकार्डी से पर्टिकुलर इसकी फैमिली आती है और भल्लातक मतलब सेमिकार्पस एनाकार्डियम इसके लैटिन नेम है, एनाकार्डी से फैमिली आती है। भल्लातक के बीज और फल दोनों ही बाहर लगे हुए रहते हैं, फल का हम यूज़ करते हैं बीज का यूज़ नहीं करते, बीज का यूज़ करते हैं शोधन करने के बाद करते हैं, क्यों करते हैं क्योंकि बीज में विष पाए जाते हैं, बीज टॉक्सिक होता है, बीज क्या होता है विषैले इसमें तत्व पाए जाते हैं। ओके
दैट्स वाई हम क्या करते हैं यूज नहीं करते, आफ्टर इट्स प्यूरिफिकेशन वी आर यूजिंग द सीड ऑफ द बल्ला तक। ओके, इनके एक खास बात यही होती है कि बल्ला तक के जो सीड होते हैं और बल्ला तक के जो फ्रूट होते हैं ये दोनों ही बाहर होते हैं। ओके, आपने ऑरेंज खाया होगा, आपने मैंगो खाया होगा, ये सभी जो फ्रूट होते हैं इनके बीज इनसाइड द फ्रूट रहते हैं, बट बल्ला तक के कैटेगरी में इनके फ्रूट और इनके जो वहाँ पे जो सीड होती है दोनों ही अलग होते हैं, दोनों ही एक्सटर्नली अपीयर होते हैं। ओके, तो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एक बार गो थ्रू मारिए, ये हमारा बल्ला तक का इन्फ्लुएंस स्टेज है, ये बल्ला तक का फील है पोस्टरली, और ये बल्ला तक का लीफ वगैरह आप देख रहे हो एंटीरियरली, ये इसके फ्रूट है, और अल्टीमेटली ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये अल्टीमेटली आप देख सकते हो ये इसका फल आता है और ये इसके सीड होते हैं। ओके, सीड का हम प्यूरिफिकेशन शोधन करने के बाद ही हम यूज़ करते हैं। ये हमारा अशोक है, अशोक को भी मैंने एक अलग तरीके से मैंने इसको डिटेल डिस्क्राइब किया है, अशोक की ये लीफिंग स्टेज है। ओके, आप देख सकते हो अशोक के जो वहाँ पे लीफ जो है ना तीन स्टेज होती है, पहला तो ताम्र पत्रिका, ओके, पहला कुछ समथिंग ऐसा कलर आएगा लीफ का, फिर ग्रीन कलर आता है। ओके, ऐसा कलर आने के बाद थोड़ा सा फिर कॉपरी कलर होगा, देन ग्रीन कलर आता है। ओके, तीन स्टेज में इसके लीफ वगैरह आते हैं। एक अशोक का बीज होता है, हम जो नॉर्मली अशोक का ट्री बोलते हैं वो अशोक ट्री नहीं होता, ओके, वो डिफरेंट ट्री है। अशोक के बीज कुछ ऐसे होते हैं, इनका बीज का चूर्ण हम जो महिलाओं में जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम होता है ना उनमें हम यूज़ करते हैं। ओके, इनके बीज का चूर्ण हम यूज़ करते हैं, और अगर इसके अलग बात करें तो अशोक क्षीरपाक हम बनाते हैं, अशोक का काढ़ा बनाते हैं, अशोक का काढ़ा या फिर क्षीरपाक दोनों ही हम यूज़ करते हैं अपने फीमेल में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना उनमें। ओके, क्योंकि अशोक वाटिका जो बनी थी, ओके, जहाँ पे माता सीता को वहाँ पे रखा गया था बाय आवर रावण, ओके, तो पर्टिकुलरली जो अशोक वाटिका थी इसीलिए अशोक वाटिका में जो अशोक के जो वृक्ष थे उनमें वहाँ पे प्रॉपर्टी डेवलप हो गए कि वो फीमेल को या फिर फीमेल गत जितने भी रोग होते हैं उनको वहाँ पे ठीक करेगा। ओके, इसीलिए अशोक का जो वृक्ष होता है इनके जितने भी पार्ट्स होते हैं अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो उसका मेनली जो फोकस जो होता है ना यूज़ करने का या फिर जो वहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है ना वो टूवर्ड्स फीमेल ज़्यादा होता है। ओके, यानी कि अशोक के काढ़ा, अशोक का क्षीरपाक, अशोक का बीज, जो भी आप बोलो ये सभी पार्ट्स हम किसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फीमेल के प्रॉब्लम में, फीमेल के रोगों में हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, अशोक का ये इन्फ्लुएंस स्टेज है, अशोक की ये फ्लावर वगैरह है, ओके, ये बीज है, ये लीफ वगैरह होते हैं। ओके, अगेन ये क्या है हमारा, ये अग्रु है, ओके, अग्रु है, अग्रु को भी डिटेलली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अग्रु अल्टीमेटली ये इसकी इन्फ्लुएंस स्टेज है, वाइट कलर की अग्रु होती है, सॉरी वाइट कलर की इसके फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, ये ब्लैक कलर का इसका अग्रू होता है, ब्लैक कलर का हार्टवुड होता है, हार्टवुड हम यूज़ करते हैं अग्रू में। ओके, और अल्टीमेटली एक्लेरिया एगोलो का इसका लैटिन नेम होता है, थायमेलेसिस की फैमिली आती है। अग्रू का चार भाग हम मेनली यूज़ करते हैं, बाकी जो पार्ट्स हम बहुत ही रेयर है, ओके, वो यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं करते, बस अग्रू का जो चार भाग होता है हम वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अदरवाइज आपको ज़्यादा वगैरह इसका नॉलेज वगैरह चाहिए तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेरे अगेन वो पर्टिकुलर सेम प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अग्रु को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि आप इसके सार भाग जब देखोगे ना एक काला कलर का सार भाग रहता है, हाँ, बाकी अगर सार भाग देखेंगे कि चंदन का हो गया, रक्त चंदन का अगर आप देखोगे सार भाग तो वो अलग दिखते हैं, हमारा अग्रु का जो सार भाग होता है वो अलग दिखता है। ओके, दोनों का जो नज़रिया है दोनों ही अलग दिखते हैं। ओके, तो अग्रु के लीफ है, अग्रु का क्या है फ्लावर है, ये हमारा क्या होता है अर्क होता है। ओके, ये हमारा अर्क है, अर्क की आप पेडिफिल देख रहे हो, अर्क की आप यहाँ पे पौधे वगैरह देख रहे हो। ओके, अर्क अगेन विषैला आता है, ये अर्क के बीज हैं, अर्क का जो मिल्क होता है, अर्क का जो क्षीर होता है, ओके, जो लैटेक्स के फॉर्म में जो निकलता है वो भी विषैला बोला गया है। ओके, उसको भी पॉइजनस बोला गया है। अल्टीमेटली अर्क का ये क्या है, ये फ्रूट है, और फ्रूट को जो फ्रूट अल्टीमेटली क्या होता है वो ऐसे वहाँ पे हम बोलते हैं ना कि वो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है बर्स्ट हो जाता है, ये ऐसा बर्स्ट पार्ट है, ये इसके इस पर्टिकुलर फ्रूट में इसके ऐसे बीज पाए जाते हैं। ओके, अर्क को भी मैंने आई होप मैंने इसको भी डिटेली एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अल्टीमेटली ये अर्क के जो लीफ होते हैं ना, अर्क के लीफ और सैंडलवन के द्वारा हम अर्क लवण प्रिपेयर करते हैं। ओके, ये हमारा एक वेराइटी हो गया, ये हमारा एक कल्प हो गया विद आवर अर्क, हम वहाँ पे अर्घ तेल का भी निर्माण करते हैं। ओके,
हम क्या करते हैं, इनके जो मूल होते हैं ना, मूलों को इनको सिद्ध करके, यानी इनके रूट्स को हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड, इनके रूट्स से हम मेडिकेटेड क्या करते हैं, वहाँ पे ऑयल का निर्माण करते हैं, यानी कि अर्क तेल का हम निर्माण करते हैं, जो कि वात शमन के लिए, वात को पैसिफाई करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल ड्रग बोला गया है। और जो अर्क लवण जो हम प्रिपेयर करते हैं ना, जो कि लीफ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, वो भी बहुत ही वात शमक, वात पैसिफाइंग एक्टिविटी दिखाता है। जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन, पेन वगैरह होता है ना, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। अगर दोनों ही कल्प अगर नहीं अवेलेबल है और आप अगर वात शमन की एक्टिविटी को देखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई द एक्टिविटी ऑफ द अर्क, ओके, तो इनके जो लीफ होते हैं ना, इनके लीफ को आप दो तीन लेयर वाइज इनके लीफ बनाइए, और आपको जहाँ पे भी अफेक्टेड पार्ट है आप उनको वहाँ पर रख दीजिए, एक पर्टिकुलर कपड़े से उसको पर्टिकुलर उसको बांध वगैरह दीजिए, ओके। जैसा एरंड अपना काम करता था वात शमन करने का, इन दैट सेम वे वहाँ पर हमारा अर्क का भी हम उसको एक्टिविटी देख सकते हैं, ओके। तो ये अल्टीमेटली क्या है, हमारा अर्क का पर्टिकुलरली प्लांट है। कैलेटोवेट प्रोसेरा, श्वेत अर्क और रक्त अर्क, इसके दो वेरायटी पाई जाती है, ओके। कैलेटोवेट प्रोसेरा और कैलेटोवेट गिगेंटिका, इसके दो वेरायटी में, दोनों के लैटिन नेम मैंने आपको बताया। मूल यूज़ करते हैं, पत्री यूज़ करते हैं इनके, वहाँ पर जो जो छीर होते हैं ना, जो लेटेक्स होता है, उनका भी हम यूज़ करते हैं अपने क्षार सूत्र में, ओके। क्षार सूत्र जो कि एक अदक आएगा तो जो ब्रंश होते हैं ना, उनको ठीक करने के लिए किया जाता है, ओके। जो पाइल्स वगैरह जो जो होते हैं, जो भगंदर जो होते हैं, जो परिकर्तिका जो होते हैं, ओके, उन दैट कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनके क्षार सूत्र बनाने के लिए इनके जो छीर होते हैं ना, जो मिल्क होते हैं, द लेटेक्स ऑफ द कैलेटोवेट प्रोसेरा, उनको हम यूज़ करते हैं, ओके। हमारा ये परिकुल द्रव्य क्या है, ये हमारा सारिवा है, और ये वाला क्या है, हमारा मंजिष्ठा है। दोनों के द्वारा बनाए गए जो कषाय होता है, हम उनको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, महामंजिष्ठा दी क्वात बोलते हैं, ओके। तो सारिवा को पहचानने का तरीका क्या है, सारिवा कैसे दो लीफ 90 डिग्री पर लगे हुए रहते हैं, और दोनों के जो लीफ होते हैं, जो बायोफर्केशन होते हैं लीफ में, उनके बीच में बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है, ओके। आप ये देख सकते हो, ये सारिवा के फ्रूटिंग स्टेज है, सारिवा का अल्टीमेटली फ्लावर है, और सारिवा का हम क्या करते हैं, मूल यूज़ करते हैं, ओके। सारिवा के मूल बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, योजनवल्ली एक योजना, ओके, 1 किलोमीटर तक इसके रूट वगैरह फैले हुए थे, ऐसा बोला गया आचार्य के द्वारा, ओके। सारिवा अगेन बहुत बड़ा ट्री वगैरह नहीं होता, छोटा सा पर्टिकुलर पौधा होता है, ओके। सारिवा शीतवीर्य होता है, वहाँ पे मधुर विपाकी होता है और मधुर रस का होता है, लेकिन हमारा जो मंजिष्ठा होता है वो उष्णवीर्य होता है, तिक्त रस का होता है, और अगेन वो क्या होता है, वहाँ पे कटु विपाकी होता है, ओके। तो अल्टीमेटली मंजिष्ठा भी हम क्या करते हैं, इसके मूल का हम यूज़ करते हैं, ओके। तो महामंजिष्ठा दिक्वा, जो कि सारिवा और मंजिष्ठा के द्वारा बनाया गया है, वो जितने भी हमारे वर्ण कॉम्प्लेक्शन जितने भी रहते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, कंठगत जितने भी रोग होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, फीमेल के जितने भी प्रॉब्लम हैं उनको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। जो वहाँ पे हम बोलते हैं ना, रक्त की अगर दुष्टि जाती है, अगर रक्त हमारा ख़राब हो जाता है, तो उस पर्टिकुलरली विशेषित रक्त को हम एक पर्टिकुलरली जो रक्त का जो गुण होता है ना, रक्त कैसे खराब होता है, रक्त पित्त दोष की वजह से खराब होता है, तो महामंजिष्ठा जो क्वाथ होते हैं ना, वो पित्त को पैसिफाई करते हैं, और अल्टीमेटली जो पित्त अगर शांत हो गया, तो रक्त जिसके वजह से दुष्ट हो रहा था, अब वो क्या होगा, उसकी दुष्टि का जो कारण था वो खत्म हो गया, अभी जो अल्टीमेटली उसका जब कारण खत्म हो गया, तो अभी दुष्ट नहीं रहेगा, ओके। यानी कि रक्त दुष्टि हम ठीक कर सकते हैं भाई महामंजिष्ठा क्वाथ, और महामंजिष्ठा आदि जो क्वाथ है, महामंजिष्ठा आदि जो क्वाथ है, वो हम सारिवा और मंजिष्ठा के मूल के द्वारा सिद्ध करके हम बनाते हैं, ओके। ये हमारा मैंने आपको बताया मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा की पर्टिकुलरली फ्लावरिंग स्टेज है, रूबिया कॉडिफोला, और इसका हेमिडिस्मस इंडिकस इसका लैटिन नेम आता है, और वहाँ पे एजलपिडेसी इसकी फैमिली आती है, इसका रूबिया कॉडिफोलिया इसके लैटिन नेम है, और रूबियसी इसकी फैमिली आती है, ओके। इसके जो लीफ होते हैं वो हार्ट शेप जैसे दिखते हैं, जैसा मैंने गुरुची में बताया, दैट्स इनको हम कॉडिफोलिया बोलते हैं, इनके लैटिन नेम ब्लैक कलर के इनके फ्रूट होते हैं, ओके। इन्फ्लोरेसेंस अगर आप देखोगे, इनकी मंजरी वगैरह देखोगे, तो वाइट कलर की इनकी मंजरी होती है, और इनके हम मूल वगैरह हम यूज़ करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मंजिष्ठा बोलते हैं, ओके। उष्णवीर्य हमारा क्या होता है, द्रव्य होता है। ये हमारा जो लास्ट द्रव्य है, ये हमारा क्या है, ये भृंगराज है, एक्लिप्टा अल्बा, कंपोजिटिव फैमिली का हमारा पर्टिकुलर आता है, कुछ लोग एस्टेरेसिया फैमिली में भी बोलते हैं, आप दोनों ही रिफर कर सकते हो, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। जो भृंगराज होता है ना, भृंगराज अल्टीमेटली आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है इसका, कि इसके जो लीफ होते हैं ना, थोड़े से स्ट्रैटेड होते हैं, ओके, आप देख सकते हो, थोड़े से ये स्ट्रैटेड होते हैं, थोड़े से कटे हुए जैसे फील होते हैं, और इनके भृंगराज का हम पंचांग यूज़ करते हैं, यानी कि
भृगराज का हम इनके लीफ का बनाया गया जो स्वरस होता है वो तो यूज़ करते ही है, लेकिन कभी कभी या फिर मेजरली वी आर यूजिंग देयर पंचांग। पंचांग मतलब इनके फ्रूट, इनके स्टेम, इनके लीफ, इनके रूट, सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट का हम यूज़ करके क्या करते हैं वहाँ पे स्वरस प्रिपेयर करते हैं। ओके, वी आर प्रिपेयरिंग देयर स्वरस आइदर बाय देयर लीफ ओनली और बाय देयर पंचांग। ओके, बोथ हम क्या करते हैं उनका वहाँ पे स्वरस प्रिपेयर करते हैं। भृगराज तेल मार्केट में अवेलेबल है आप जानते हो, जो कि हमारे बालों के लिए, केश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारिवा मंजिष्ठादि जो था, जो महामंजिष्ठादि जो क्वाथ था, वो भी हमारे केश के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। भृगराज अगेन यकृत के जो विकार होते हैं उनमें बहुत ही यूज़फुल होता है। प्लिया के जो विकार होते हैं उनमें यूज़फुल होता है। हमारी स्किन की ग्लो नहीं बढ़ती है, बहुत सारे लोग को इन वहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह रहता है, तो भृगराज का तेल जो होता है ना वो एक्सटर्नली अप्लाई करने के बाद उनकी ग्लो वगैरह बढ़ने लगती है, क्योंकि भ्राजक पित्त जो होता है, एक पित्त की जो वेराइटी होती है वो हमारे स्किन की में पाया जाता है, और भ्राजक पित्त जब हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता है तब वहाँ पे ग्लो वगैरह वो क्या होता है वहाँ पे ख़राब हो जाती है। ओके, तो भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए हमारा क्या होता है भृंगराज तेल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तेल होता है। ओके, तो अल्टीमेटली इसके कुछ तीन वेराइटी वगैरह रहते हैं, आप दो वेराइटी का इमेजेस वगैरह देख ही रहे हो, ये श्वेत वेराइटी है, हमारे क्या है येलो वेराइटी आती है। ओके, तो ये देखिए ये हमारा भृगराज था। भृगराज अल्टीमेटली मैंने आपको बताया तीन वेराइटी आती है, इनके तीनों ही पंचांग यानी कि इनके सभी पंचांग का पंचांग यानी कि इनके रूट, लीफ, फ्रूट, स्टेम और इनके लीफ, शायद कुछ रिपीट हुआ, अगेन मैं रिपीट करूँगा, इनके लीफ, इनके फ्लावर, इनके स्टेम, इनके फ्रूट और इनके रूट, ये सभी पाँचों प्लांट का हम क्या करते हैं, पाँचों पर्टिकुलर पार्ट्स का हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं पंचांग बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर क्लास में आपको भृंगराज के बारे में बताया, मंजिष्ठा सारिवा के बारे में बताया, अर्घ के बारे में बताया, अगुरु क्या होता है वो मैंने आपको बताया, अशोक सरेका अशोका सीजल पिनिडी फैमिली का हमारा जो द्रव्य है मैंने अशोक के बारे में आपको बताया। हालांकि बहुत सारे लोग अशोक और जो हमारा दूसरा अशोक होता है दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अशोक जो होता है, अशोक के जो बीज होते हैं, आपको बीज अगर ऐसे मिलते हैं तो ये रियल अशोक है, अदरवाइज वो क्या है नकली वाला अशोक है। ओके, मैंने आपको भल्लातक बताया, भल्लातक, अशोक, अगुरु, अर्क वगैरह ऐसे भी जो द्रव्य हैं इनके डिटेल नॉलेज के लिए, विभितक, ये सभी डिटेल नॉलेज के लिए आपको अगेन विजिट करना पड़ेगा मेरे पर्टिकुलर प्लेस को, जो कि मैंने अटैच किया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ये हमारा तुलसी का पर्टिकुलर प्लांट मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने खदीर बताया, अगेन खदीर को मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। अब ये हमारा क्या है आर्द्रक है, जिंजीबर है, जिंजीबर ऑफिसर इसका लैटिन है, जिंजीबर से इसकी फैमिली आती है, जो कि जिंजीबर से फैमिली किस किस की फैमिली आती है, हमारे हरिद्रा की फैमिली आती है, हमारे आम्र हरिद्रा की फैमिली आती है। ओके, तो ये सभी की एक पर्टिकुलर क्या फैमिली है, जिंजीबरेसी सभी की पर्टिकुलर फैमिली आती है। ओके, तो इनके जो लीफ वगैरह होते हैं थोड़े से लंबे लंबे इनके लीफ होते हैं, और लीफों के बीच में, ओके, बिटवीन द टू लीफ देर आर सम पॉइंट्स, ओके, सम पॉइंट्स का डिफरेंस रहा। ओके, तो अल्टीमेटली ये गुगलू था हमारा, गुरुची के बारे में बताया मैंने, ये बृहती है, ये हमारा शिग्रू था, सहीजन, मोरिंगा, टेरगोस्पर्मा, मोरिंजेसिस की फैमिली थी, ये हमारा बिल बताया जिसे हम बेल वगैरह बोलते हैं, ये मंडूक परणी है, ब्राह्मी से हम रिजम्बल करते हैं, कुछ लोग मंडूक परणी ब्राह्मी दोनों को एक मानते हैं, कुछ लोग का मत है कि दोनों ही अलग हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया कि शरपुंका, टेफरोजिया परप्यूरिया, ओके, लेगुमिनोसिस की फैमिली, ये मैंने आपको बताया, ऑक्सिलिस कॉर्निकुलेटा, ऑक्सिलिडेसी फैमिली पर्टिकुलर क्या है हमारा चांगेरी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रग को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह को उन्होंने जो गए रहेंगे एक बार गो थ्रू वगैरह डाउनलोड करके जो वहाँ पे उन्होंने किया होगा, जो ट्राई वगैरह किए रहेंगे, आई होप उनका जो जो उन्होंने ट्राई किया कुछ अगर गलती वगैरह है तो उन्होंने वहाँ पे उसको वेरीफाई वगैरह किया होगा। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर आवर टुडेज़ क्लास गाइस, यहाँ पे हमने कुछ द्रव्यगुण प्रैक्टिकल पार्ट फोर यहाँ पे कंटिन्यू किया, मैंने द्रव्यगुण पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऑलरेडी उसको कंटिन्यू में किया है, आप उसका जो लिंक है आप अगेन उसको देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको मैंने वो मैं प्लेस किया। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज़ क्लास गाइस, थैंक यू।